باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العلي العظيم صدق الله مُحَمَّدٍ العظيم بعد. الله हकीम के शुरह मुबारक हजोरत की एक आयत आप हजरात की खिदमत में तलावत करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ इस आयत में बहसो गुफ्तु के कई जहातो जवानब हैं जब मैं मजलिस पढ़ने के लिए अभी आ रहा था तो बाज़ अहबाब ने बाज अस्ता ने एक ख़ास मौजू की तरफ़ तो दिलाई और ये बताया कि इस मौजू पर आज कल में और ख़ास तौर पर जवानों में खासी गुफगुएँ हो रही हैं जाहिर मेरी भी कोशिश ये होती है कि गुफ्तु हमारी जिंदगियों से मरबूत रहे और उन ज़िंदा सवालात से मरबूत रहे कि जो जहनों में बराबर उठते रहते हैं या इस वक्त इस दुनिया में इस ज़माने में जब हम ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो जो सवालात हमारे सामने हैं उन सवालात को भी एड्रेस किया जाए पहले मैं आयत का ज़ाहरी तर्जुमा अर्ज़ कर दूँ और उसके बाद फिर उसके जहात व जवाने पर ख़ुद ब ख़ुद राहें खुलती चली जाएँगे इरशाद लाहीमनदीना मनोबिल्ला व रसूल ही ममिनीन तो बस वही हैं क्योंकि ये हजरत आप हजरत बराबर जो मजलिसें समाज फरमाते रहते हैं तो बाज़ हजरत जो अरबी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं वो भी बाज अरबी की कलीदी बातों से वाकिफ हो गए हैं। ये है फैज़ान मम्बर हुसैनी यह फैज़ान मजलस शब्बीरी। तो अब अरबी में अरबी ग्रामर में नहु में कहा जाता है कि इन नमा ये कलम हसर है अच्छा जा ये जाहिर है कि इन नमा इससे आप हजरात वाकिफ हैं इसलिए कि जो आयत विलायत है जो हर मोमिन के दिल पर कंदा है जली हरफों में वो भी कलम इन नमा से शुरू होती है इनम वलीमल्ला व रसूल वदीन अमनत व्यूतुनः ज़क़़़़़़़त वहमर के अब इस आयत में जो कलम इनमा है वो हसर के लिए है हसर के मानी क्या है हसर के मानी है कि, कि किसी हकीक़त को रोशनास कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह हकीक़त बस यही है जब जो मज़मून जुमले में है उस जुमले के गिरद गोया एक हिसार खींच दिया जाता है कहा जाता है जो बात इस जुमले में कह दी गई बस हकीकत यही है इस हिसार के बाहर जाने की कोशिश न करना इस हकीक़त को तलाश करने के लिए तो बायत विलायत में दरअसल जिस चीज़ का हसर है वो हकीक़त विलायत का हसर है कि विलायत तो बस महसूर है मखसूस है मुख्त है ज़ात बारी तआला के लिए, अल्लाह के लिए विलायत मखसूस है परेशान हो गए आप हजरत इस मौजू पर चूंकि मैं बहुत गुफ्तुएँ कर चुका हूँ तो खुद अपनी कही हुई बातों को दोहराना बार बार अच्छा नहीं मालूम होता हकीकत है कि वत खुदा में मनहसर है बहुत परेशान हो रहे हैं हजरा तो कायल नहीं होंगे तो विलायत का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हकीक़त यह है कि विलायत खुदा में मनहसर है और इसीलिए अल्लाह के अलावा भी अगर कोई वली हो सकता है तो वही हो सकता है जिसे अल्लाह वली बनाए हम आप मिलके किसी को वली नहीं बना सकते एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद ना कोई खुद से वली बन सकता है और ना किसी के बनाए वली बन सकता है वली वही वली होता है जिसे अल्लाह वली बनाए चूँकि विलायत उसकी पाक में मुनसर है असला असालता हकी़ता व ईमानन वो है वली और फिर वो जिसको वली करार दे इसीलिए आयत जब आगे बढ़ी इन नमा से शुरू हुई लेकिन वाव आतफ़ के बाद आगे बढ़ी इन्मा वली वसूलहू और उसका रसूल वो भी वली है वलैीन आमन लल्लदी कीमलात व यू तो वर्कून अब इस पूरे फ़िके का तर्जुमा बस एक लफ्ज़ में कर देता हूँ अल्लाह वली है और अल्लाह का रसूल वली है और अल्लाह का वो बंद ख़ास वली है कि जो हकीक़त ईमान को लाने वाला है और नमाज़ का कायम करने वाला है और हालत रुकू में ज़क़़त देने वाला है तो, है। तो आ, ये मज़मून बहुत आम है लेकिन फिर भी तवज्जो रहे कि असल सिलसिले व ऊपर से आ रहा है नीचे से नहीं जा रहा है शजर विलायत की जड़ें आलम अनवार में है आलम खाक में नहीं जैसे है जैसे वहां है इन नमा हसर यानी बस और बस और बस और बस और बस पांच मर्द पांच हजार है हैं मुनसर है ज़ात विलायत हकीकत विलायत ज़ात हक में उसी तरह यहाँ पर इन नमिन आमनो बिल्ला व रसूल ही थुमताबू आयत इन नमा से शुरू हुई है कि बस और बस और बस और बस और बस, बस। मोमिन तो वही हैं जिनमें ये सिफतें हों क्या सिफतें हैं कि वो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हों अल्लाह के रसूल पे ईमान लाने वाले हों और फिर ईमान लाने के बाद कभी शक में मुबतला होने वाले ना हों तुम मलमेर ताबू उसके बाद वो शक व शुभे में मुबतला होने वाले ना हों यानी कि कलेमा पढ़ लिया जानेसारी सारी का दावा भी है और ये ऐलान भी है कि मुझे आज ऐसा शक हुआ कि ऐसा शक पहले कभी नहीं हुआ था यानी होता तो रहता था शक बराबर मगर आज वो शक बहुत कवी हो गया था है? नहीं शक का दखल नहीं है शक का गुजर नहीं है तो ये कुरान की कैद और शर्त है मेरी तरफ से नहीं है इन अल्लादीना आमन व व रसूलिही ही थुम्म लम यरताबू उसके बाद उनके अंदर कोई शक व शुभा और लग्जिश पैदा न हो व जा बम व अनफु फी सबीलिल्लाह और जो जिहाद करने वाले हैं अपने माल के साथ और अपने नफ़्स के साथ अल्लाह की राह में अल्लाह की राह में सिर्फ जान देना जिहाद नहीं है माल खर्च करना भी जहाद है जामवाल अनफो सहम फ़ी सभी उला का हमस्त कौन ये जुमला भी अरबी के अफाजिल मौजूद हैं जनाब मौलाना तशीफ़ फर्माएँ और मजमे में भी यकीनन हजरात होंगे वो जानते होंगे कि जो जुमले की तरकीब होती है उलाई का हम उस ये हम जो दरमियान में है और ख़बर भी अलफलाम के साथ मोहल्ला है तो ये जुमला जो होता है ये भी ताक़द और हसर का मफहम रखता है हसर से शुरू हुई आयत और हसर के जुमले पर ख़त्म हुई यही वही वो वमिन हैं जिनमें ये सिफतें हों और वही वो हैं कि जो सदकिन हैं वही वो हैं कि जो सच्चे हैं निगाह खालिक में अब ये जो मजमून है हासर से बात शुरू हो रही है हासर पे बात तमाम हो रही है इसमें एक बात तो यकीन से आप हजरात को कबूल करना चाहिए कि असल ईमान में जब इस आयत की रोशनी में आप गौर करेंगे असल ईमान में फिर तद और तकसुर की गुंजाइश नहीं है यानी यहां कहीं प्लूरलिज्म की गुंजाइश नहीं है इतने हसर के बाद ये जो मैं पांच बार बस 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 कहता हूं क्यों कहता हूं इस कलमे में भी पांच हर्फ है ना इन नमा में पांच हरफ है हमजा है नून है लेकिन नून पे तशदीद है तो वो दो गिना जाएगा फिर मीम है फिर अलिफ है पांच हैं पांच हर्फों का ये कलम में हास पांच मजबूत हिसार खेचता है और इस हकीकत को नुमाया करता है कि बस हकीकत वो है जो यहाँ अल्लाह सुबहाना तआला बयान फरमा रहा है तो अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई इन अनासर ईमान के बग़ैर हो और वो भी मोमिन कहलाए देखिए ना जो लोग पुलराज़म के वकालत करते हैं वो ये समझते हैं भाई वो भी मोमिन है ईमान तो रखते हैं बाज़ आजाद ने कह दिया है कि बस पांच चीज़ों पर ईमान काफ़ी है और वो क्या है अल्लाह की वहदानियत है और अल्लाह के जानब से जो फरिश्ते हैं अल्लाह के मलाका हैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किताबें हैं और अल्लाह के नबी हैं और रोज़ आख़िरत है बस ये पांच चीज़ें हैं जिसमें ईमान ले आइए काफ़ी है बाकी किसी चीज़ पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है या ऐसे ही है कि क़रन मजीद की किसी एक आयत को पढ़ लीजिए और कहिए कि बस कुल दीन यही है तो फिर ये जो छः हज़ार दो सौ छत्तीस आयतें हैं वो किसके लिए हैं और फर्मा आप सादा लौ जवानों को गुमराह करना आसान है लेकिन अल्लाह के दिन की सच्ची तर्जुमानी करना मुश्किल है ये खुद साख्ता मुश्तिन भाई इश्तिहाद का भी एक दायरा होता है ना इश्तिहाद के भी कुछ शराइ हैं इश्तिहाद के भी कुछ शराइ हैं जिसका जी चाहे दावाए इश्तिहाद कर दे क्या दीन इस्लाम को यतीम समझ रखा है उर्दू में दो कलमे इस्तेमाल होते हैं ये उर्दू ज़बान है यतीम और यसीर। अरबी में यसीर के मानी कुछ और हैं उर्दू में यतीम कहते हैं उसे जिस बच्चे का बाप ना हो बाप मर गया हो उसे यतीम कहते हैं और यसीर उसे कहते हैं जिसकी माँ का इंतकाल हो गया हो बचपन ही में या यसीर उसे कहते हैं जिसके बाप और माँ दोनों का इंतकाल हो गया ये उर्दू लगात है उर्दू जबान है अरबी में ये मफहम नहीं है लेकिन यसीर से मिलता जुलता एक और कलिमा है और वह है असीर इस्लाम यतीम तो नहीं है ना यसीर है लेकिन आप लोगों के हाथों में असीर ज़रूर है अफसोस ये इस्लाम को असीर बना लिया सियासी मुफक्रीन ने या नफ्स परस्त है। असल मसला नफ्स परस्ती का है नफ्स परस्ती के भी बहुत से रुख हैं खुदी और अनानियत के भी बहुत से रुख हैं अपनी राय पर अपनी राय पर बेबिलाईद कुरान हदीस जिद करना इससे बड़ी नफ्स परस्ती क्या होगी अपनी राय पर मैंने एक राय कायम कर ली है मैं यूं समझता हूं मैं यूं समझता हूं कि गुंजाइश है ही नहीं खुदा के मुकाबले में और रसूल के मुकाबले में कुरान सामने है और आप कह देंगे मैं ये समझता हूं इससे बड़ा कोई शिरक नहीं हो सकता मैं ये समझता हूं कहने के लायक बनने के लिए जितनी शर्तें हैं पूरी की हैं नौजवान सादा लोह जवान वो जवान जो अरबी नहीं जानते फारसी नहीं जानते कुरान नहीं पढ़ सकते उर्दू नहीं पढ़ सकते जवान अपने कारोबारी ज़िंदगी में मशगूल हैं हल्का फुल्का जहन रखते हैं और हल्की फुल्की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं उनके सामने आप अपने बयानात देते रहें और वो तारीफ़ करते रहें सुबह अल्लाह क्या कहना आप तो उलूम हैं आप तो कोहे इल्म हैं आपने तो मसला हल कर दिया ये जवानों की ख्वाहिशों को पूरा करना अलग है और अल्लाह की मर्जी को पूरा करना अलग है अल्लाह कुरान, रसूल एक चीज ये जहन आली में रहे बहुत वजाहत के साथ दीन के मामले में असल दीन रिलीजन रूट्स ऑफ रिलीजन ये जो जड़े हैं उ दीन इसमें किसी प्लूरलिज्म की गुंजाइश कुरान के रूह से नहीं आए जवाना ने अजीज फरेब में न मुब्तला हो जाइएगा किसी प्लूरलिज्म की गुंजाइश नहीं अब जब बात छेड़ गई है तो एक असलाह की और वजाहत करता ही चलो एक असलाह और है और वह है सेक्युलरिज्म लोग नाज करते हैं फखर करते हैं कि हम तो सेक्लर हैं फलां साहब तो सेक्लर हैं अब जो लोग सोशल साइंसेस के और पॉलिटिकल साइंस के बाकायदा स्टूडेंट हैं वो जानते हैं उनके लिए वज़ात की ज़रूरत नहीं है कि सेक्लरिज़म की जो डेफिनेशन वेस्ट में है और जो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में सोशल साइंसेस की किताबों में जो सेक्लरिज़म की डिफिनीशन है वो बहुत मुख्तलिफ है उससे जो हमारे इस बर सगैीर में इंडियन पाकिस्तानी सब कॉन्टीनेंट में जो पॉलिटिशियंस की जबान पे बार बार सेकुलरिज्म आता है ना उससे बहुत मुख्तलिफ है असल सेक्यूलरिज्म तो मजहब की नफी है हमारे यहां मजहब की नफी मुराद नहीं ली जाती हमारे यहां सिर्फ ये मुराद लिया जाता है कि सियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है कोई किसी भी मजहब व मसलक पर हो रियासत उसको हिफाजत उसको सिक्योरिटी उसको कानूनी सहूलतें उसको शहरीत की सहूलतें फराहम करने की पाबंद है यानी आप एक मुल्क में अगर बहत्तर दीन और मसल को मज़हब पे लोग रह रहे हैं तो रियासत किसी एक दीन की पाबंद नहीं है और कोई शख्स रियासत की खातिर से अपने दीन छोड़ने पर मजबूर नहीं है तो ये जो गोया के डायल्यूटेड डिफिनीशन ऑफ सिकुलरिज़म है ये सेक्लर्जुम की डिफिनेशन तो हम लोग खुशी से कबूल करते हैं इसलिए कि और कोई अमली चारा नहीं है कि हुकूमत आप इंतज़ाम चलाते रहें लेकिन दीन और मजहब के मामले में न दखल दें और न किसी को दीन और मजहब की पाबंदी करने में रुकावट बने ये बहुत अच्छी बात है इसे हम कबूल करते हैं दिलो जान से लेकिन जहाँ तक सेकुलर्जम के ये मानिए कि मजहब की नफ़ी जाहिर है कि हम उस एक को જરા ભી કબૂલ નહીં કર સકતે તો યે એક વિઝાહત હો ગઈ ઓર પલ્યુરલિઝમ કે તાલુક સે એક બાત જરૂર એક ગોષા હે વો ابھی અરજ કરુંગા આપકી ખidmat મે ઓર اسی طرح એક ચીઝ હે جسے કહેતે લિબરલિઝમ તો લિબરલિઝમ ભી જો હે مغрби લિબરલિઝમ kuch aur hai aur hamare yan liberalizm kuch aur hai ye tamam izm apni jagah magar jawana ne aziz एक बात इस फ़कीर की याद रखिएगा पूरे इंसानी माशरे को सिर्फ मोमिन को नहीं मुस्लिम को नहीं पूरे इंसानी माशरे को जीने के लिए जिन जिन सहूलतों की ज़रूरत है वो खुद क़ुरान मजीद ने फराहम कर दी है इसलिए हमें कहीं से कोई मांगे का उजाला लेने की ज़रूरत नहीं है इंसानी मुआरे को सांस लेने के लिए इंसानी मुआरे को जीने के लिए इंसानी मुआरे को परवरिश पाने के लिए परवान चढ़ने के लिए इंसानी मुआरे की बात कर रहा हूँ मैं बार बार इंसानी मुशरे को जीने के लिए परवान चढ़ने के लिए अपने कमालत तक पहुँचने के लिए जो कुछ दरकार है फिक्री और अमली दोनों सतहों पर वो सब कुरान मजीद ने पेश किया है पढ़ के तो देखें और आने मजीद को पढ़ के तो देखें समझने की तो कोशिश करें और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरे कुरान को पढ़ें किसी एक आयत पर ठहर ना जाए और हजरात तो एक आयत के एक ही पर ठहर जाते हैं और उसकी बहुत मशहूर मिसाल है बर साहब बरस से आप हजरात सुनते रहे हैं मैं इशारा कर दूँगा जहन में आ जाएगी इसलिए कि कुरान मजीद का पढ़ने वाला कोई ऐसा ख़ुद गर्ज़ भी हो सकता है जो कहे कि कुरान मजीद ही में तो लिखा है कि नमाज के करीब भी न जाना हाँ हाँ लिखा तो है ये तो मैं मेम्बर से भी तस्दीक कर सकता हूँ कुरान मजीद में लिखा है कि नमाज के करीब न जाना मगर आगे और पीछे भी तो आयत में कुछ लिखा है कि जब ये कैफियत हो नशे की कैफियत हो या ऐसी कैफियत हो कि तुम सही नमाज़ पढ़ भी ना सको नींद इतनी गालिब हो कि नींद के नशे में तुम्हें पता भी ना चल रहा हो कि कह क्या रहे हो बिस्मिल्लाह अदा हुआ यह आयत अदा हुई जबान से नहीं अदा नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह आपने कही ये आयत पढ़ी या नहीं पढ़ी अगर ये कैफियत है दिल की दिमाग की जहन पर किसी भी किस्म का एक नशा सतारी है एक नींद इतनी गहरी है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उस वक्त नमाज के करीब ना जाइएगा ये नमाज़ की तोहन है ये नमाज़ की तोहन है इसलिए कि आप कला में खुदा सही नहीं पढ़ पाएंगे आप रुकू और सुजूद का हक़ अदा नहीं कर पाएंगे जो अदब बंदगी है वो अदब आप अदा नहीं कर पाएंगे तो नमाज़ के करीब न जाइए होश में आ जाइए हौसल कर लीजिए वजू कर लीजिए और उसके बाद आप नमाज पढ़िए वाज हुई बात तो अगर पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको अदब बंदगी का एहसास होगा और एक आयत पे आयत के एक फ़िक्रे पर एक जुमले पे ठहर जाएंगे ठिठक जाएंगे आगे और पीछे के सियाको सबाक से बेनियाज होकर तो फिर इहाद आपके हाथ में आ जाएगा इलाहाद कोफर शेर कुछ भी आप साबित कर सकते हैं कुरान मजीद से वाज है तो अब गुफ्तु को ज़रा और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए कि ये जो आयत करीमाएँ इसी के शुरू में जो कलम हसर है, है उसके बाद मुफाद आयत है उसकी रोशनी में गुंजाइश ही नहीं है कि असूल दीन में एतकदाद में और इबादत में किसी भी एतबार से हम और आप प्लोरज़म के कायल हो जाए जैसे कि एक हम लोग जब तालब इलमाना तशरी करते हैं ना तो फिर हर पहलू पर गौर करना पड़ता है और उसको वाज़ करना पड़ता है तो अब ये जो प्लूरज़म का एक ज़ोर है मग़रब की तरफ से और हमारे नौजवान भोले भाले अमन पसंद जवान मन जवान मगर ज़ाहिर है कि पूरे तौर पर साजिशों से आगाह नहीं है अवेयरनेस नहीं है सादा लो तो वो ऐसे नारों में बह जाते हैं हवा के रुख पर चल पड़ते हैं वो ये नहीं सोचते कि कहने वाले की नीयत क्या है जबकि हमारे आपके आका और मौला अमीर उलोमिनबान सलाम का एक जुमला अगर याद रहे तो ख़ुद ये एक जुमला इतनी अवेयरनेस पैदा कर देगा इतनी बेदारी अता कर देगा आपको कि आप कभी धोखा नहीं खाएंगे मौला अमीरुल सलाम के मुकाबले में नैज़ों पर कुरान को बलन किया गया था कुरान तारीख़ है ये और कहा जा रहा था कि हम तो किताब ख़ुदा की तरफ बुला रहे हैं हम तो आपके अपने दरमियान हकम बनाना चाहते हैं मौला ने क्या फरमाया था अलकल बिहल बातिल। ये बात अपनी जगह हक है मगर कहने वाले की नीयत बातिल है मौला का जुमला है ना तारीखी जुमला है तो अब ये याद रखिए कि दुनिया में आप किसी की भी तकरीर सुने किसी की भी कोई भी दावत आपके सामने आए दावत यानी कोई भी किसी का भी एजेंडा सामने आए कितनी ही अच्छी बातें लिखी हुई हो कितना ही अच्छा स्लोगन हो मगर यह गौर कर लीजिएगा कि कहने वाला कौन है और किस नीयत से कह रहा है दावत देने वाला कौन है कौन आपको पुकार रहा है किस तरफ लेके जाना चाहता है यह जो प्लूरलिज्म की दावत है अब मैं नाम नहीं लेना चाहता मुझे याद है कि किसने कब अपनी तकरीर में क्या कहा था यह मुझे नाम भी याद है कि किस शख्स ने अपने सदारती एजेंडे में ये रखा था और ऐलान किया था कि हम तो पूरी दुनिया में प्लूरिज़म को फैलाना चाहते हैं और फिर साथ में ये भी कह दिया था कि हम अपनी तहजीब पूरी दुनिया पर गोया क़ायम करना चाहते हैं तो एक तरफ़ प्लुरिज़म चाहते हैं और दूसरी तरफ अपनी तहजीब तो प्लूराज़म कहाँ बाकी रहा है? फिर तो एक ही बात गई कि आप अपनी तहजीब मुसलत करना चाहते हैं अपनी सकाफत दोनों जुमले एक ही तकरीर में थे प्रिंटेड तकरीर मौजूद है अरे काहे का पर्दा काहे का, का तकिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने कहा था ना उनकी तकरीर में बतौर ख़ास ये एजेंडा आया था कि हम पुलराजम जो है उसको दुनिया के जवानों को आशना करना चाहते हैं और अपनी तहजीब हम अपनी तहजीब तो अगर आप अपनी तहजीब के पाबंद बनाना चाहते हैं तो फिर तो वहीं जबा हो गया Laurism तो तब होगा ना कि जब आप अपनी तहज़ीब को भी बाकी रखना चाहें और हमें हमारी तहजीब के साथ कबूल करें हमें हमारी तहजीब के साथ कबूल करें और फिर कहें कि तुम हमें हमारी तहजीब के साथ कबूल करो और हमारे यहाँ कभी कोई पाबंदी नहीं है असल मसला जो है इसे लेकिन लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है जो बारीक सी लकीर है उसे पहचाने वो जिस प्लूराज़म की तरफ बुलाना चाहते हैं वो ईमान और अकीदे तक पहुंचने वाली बात है और ईमान और अकीदे की राह में किसी प्लूराज़म की गुंजाइश नहीं है अल्लाह की वहदानियत अम्बिया की नबूवत और ख़त में नबूत मुस्तफ़ा सल्ला ये ईमान के अरकान हैं, जुज है, है। मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स सरकार रसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसलम का उनकी नबूवत का और रिसालत का मुनकिर हो और बहिष्त में पहुंच जाए जन्नत का मुस्तहक हो जाए ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है बादसत मुस्तफ़ा जिस जिस पर हजत तमाम हो गई तमाम हो गई और आज तो क्र अर्स पर कोई नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर हजत तमाम नहीं होगी ये वसायल एलाम कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं है कुर अर्स पर इंसानी जो कहे हम इस्लाम से वाकिफ नहीं हैं हम महम्मद अरबी के नाम से वाकिफ नहीं हैं हम कर्न से वाकिफ नहीं हैं नाम जरूर समातों से टकराता है अब ये इंसानी अक्ल और जहन का तकाजा है कि जब कोई हकीकत सामने आए तो उसके बारे में तफसील से इंसान जानने की कोशिश करे कि भाई ये क्या है किस हकीक़त की तरफ बुलाया गया है कोई एक फ़र्द भी इस वक्त कुर अर्ज़ पर ऐसा नहीं है जिस पर हजत खुदा कायम न हो चुकी हो तमाम न हो चुकी हो इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि कोई सरकार रसालतमा महम्मद अरबी सल्लाम कि नबूवत पर और उनकी खातमियत पर यकीन न रखता हो ईमान न रखता हो और हम उसे सर्टिफिकेट दे, दे दें कि आप जन्नत में जा सकते हैं वो जो प्लूरिज़्म है वो ये चाहता है कि भाई कोई रसूल को रसूल मानता है तो भी जन्नत में चला जाएगा नहीं मानता है तो भी जन्नत में चला जाएगा वाजी हुई बात और इसके अलावा और बहुत सी बातें कि ये मानता है तो भी जाएगा नहीं मानता है तो भी जाएगा वो वहाँ का मसला है वो प्लूरिज्म मुमकिन नहीं है कि हम इस कुरान मजीद पर ईमान लाने के बाद कबूल कर लें क्योंकि कुरान उसे तस्लीम नहीं करता हाँ दूसरा प्लूरलिज्म जो कबूल करते हैं हम वो भी बता देते हैं एक सलाह पढ़ दीजिए मोहम्मद बनाने अज़ीज़ इस्लाम और कुरान बेअमनी नहीं चाहता इस्लाम और कुरान जंगो जदल नहीं पसंद करते इस्लाम और क़ुरान इंसानी माशरे में फ़ितने और फसाद को पसंद नहीं करते इस्लाम और कुरान खून रेज़ी को पसंद नहीं करते यहां तक कि इस्लाम किसी को मुसलमान बनाने के लिए भी जंग को जायज नहीं जानता इसीलिए तारीख पढ़ लीजिए आप जिन लोगों को बजोरे शमशीर मुसलमान बनाया गया वो बाद में मर्तद हो गए और जिन लोगों ने फा सूफिया अलिया अल्लाह के जरिए से क़लेमा पढ़ा आज तक वो मुसलमान है और इस्लाम फैलता चला जाता है दो मिसालें दे दो आज दुनिया में स्पेन चले जाइए और अंदोलन इस, इस, स्पेन चले जाइए स्पेन एक इस्लामी मुल्क समझा जाता था आज क्या है और मलेशिया चले जाइए मलेशिया पे क्या बनो ने हमला किया था ख़िलाफत राशिदा के ज़माने में वहाँ हमला करके इस्लाम पहुँचाया गया बनो मैया के ज़माने में बनो अब्बास के ज़माने में किसके ज़माने में हमला करके इस्लाम पहुँचाया गया किसी के ज़माने में कोई वहाँ जंग मुसलत करके इस्लाम नहीं पहुँचाया गया इतना बड़ा मुल्क इतनी बड़ी आबादी अगर मुसलमान है तो सूफिया और और दुआत की दावत पर मुसलमान हुई है तो तारीख में जिंदा दलायल मौजूद हैं मुसलमान बनाने के लिए जंग करने की इजाजत कहीं नहीं है कुरान में सिर्फ जंग की इजाजत एक हालत में दी गई है कि अगर मुसलमानों पर हमला किया जाए और दिफा के लिए जंग करना जरूरी हो तो आप जंग कर सकते हैं वाज अब यह जाहिर है कि डिबेट मुमकिन है खुद मुसलमानों में अजीब व गरीब मुश्किल हैलूम कुरान में आज बहुत एकेडमिक अंदाज़ की तकरीर होती चली जा रही है लेकिन ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ आप हजरात इसको कबूल फ़रमाएंगे एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद ूम इस्लामी में एक इल्म है ूम कुरानी में कुरान के नाम से जो कुरानिक साइंस हैं उसमें एक शाख एक ब्रांच जो है वो है नासख व मनसूख नासिख व मनसूख यानी वो इल्म जिसमें ये तफसील से डिस्कस किया जाता है कि क़ुर पाक की कौन सी आयत नासिख है और कौन सी मनसूख है मनसूख के मानी ये होते हैं कि आयत नाजिल हुई एक हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और बाद में वो हकम बरतरफ हो गया उसकी जगह दूसरा हो गया बिल्कुल बरतरफ हो गया या उसकी जगह दूसरा हुक्म आ गया तो वो जो बरतरफ करने वाला हुक्म आएगा वो कहलाएगा नासिख और जो बरतरफ किया जा रहा है वो कहलाएगा मनसूख वाज़े है ना ये तो कोई ख़ास असिला नहीं है बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग है क़र मजीद के बारे में भी लोग समझते हैं कि इसमें बहुत सी आयतें मनसूख हैं और ज़ाहिर है कि उसी के मुकाबले में बहुत सी आयतें नासिक हैं इसमें शक नहीं कि हैं कुछ आयतें मनसूख हैं कुछ आयतें नासिक हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन जितनी बड़ी तादाद में मनसूख आयतों का दावा किया जाता है वो गलत है उमूा ये मान लीजिए कहीं मैंने अर्ज़ किया था और फिर दोहरा रहा हूँ एक खास मफहम में कि मेरा रब तो वो है जिसका कोई कलाम कभी मनसूख नहीं होता इसे भी गिरह में बांध लीजिएगा इसमें कोई तजाद नहीं है कोई तनाकुज नहीं है जो मैंने कहा कुछ आयतें मनसूख हैं और फिर कह रहा हूँ कोई कलाम मनसूख नहीं होता इन दोनों में मुताबिकत है अगर आप इस्तिलाह के तफावत पे गौर करेंगे रब वो है हमारा अल्लाह सुबहान तई बात कभी मनसूख नहीं होती किसी में ताकत नहीं है कि वो मनसूख कर सके और ख़ुद उसकी बात ऐसी हमत पर मबनी होती है कि उसे मनसूख करने की ज़रूरत ही नहीं होती फिर ये मनसूख और नासिख क्या है ये एक अतलाह है जो इंसानों ने बनाई है अल्लाह के ख़ुद ही कुछ हुक्म ऐसे होते हैं जो महदूद ज़माने के लिए होते हैं तो अगर हुक्म देने वाला ख़ुद जानता है कि मेरा ये हुक्म इस मुद्दत के लिए है और उसके बाद दूसरा हुक्म मुझे भेजना है तो उसका कलाम मनसूख नहीं हो रहा है उसका कलाम अपनी जगह साबित है ये हम हैं जो अपनी अकल नाकद से समझते हैं कि पहले वो कलाम आया था अब वो मनसूख हो गया और ये नासिक है वो अपने वक्त के लिए था ये अपने वक्त के लिए है गिरा खुल गई तो बहुत सी ऐसी असलाहें हैं जिनपे गौर करने की जरूरत है अब ये आया जो नासिख व मनसूख का तस्करा किया क्यों मैंने एक आयत सैफ है आयत सैफ यानी तलवार वाली आयत यानी जिसमें जंग करने का हुक्म दिया गया है उस एक आयत सैफ को लेकर चालीस से ज्यादा आयतें मनसूख कर दी हजरात ने इसका क्या जवाब है एक आयत सैफ को लेकर बल्कि और ज्यादा मैं तो कम कह रहा हूं चालीस से ज्यादा आयतें मनसूख कर दी जहां अमन और सुल्ह और आशती की बात की गई है जहां रुखसत दी गई है जहां छूट दी गई है जहां लोगों को जीने का हक दिया गया है सबका सब मनसूख सब मनसूख सब मनसूख आयत सैफ ने आके सबको मनसूख कर दी ये जो ज्यादती हुई ये ज्यादती है खुद मुसलमानों के साथ भी कुरान के साथ भी आलम इंसानियत के साथ भी कुरान मजीद को तकीक निगाह से देखिए तो कहीं भी कुरान मजीद ने खुद मुसलमान बनाने के लिए भी जंग करना लाजिम नहीं करार दिया है पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ जिसका जी चाहे मुनाजरा कर ले इसलिए दीन पेश कर रहा था वो कुरान जिसने खुद कुरान में ऐलान किया है ला एक दीन दीन में तो कोई एक राह नहीं है एक जगह ऐलान हो के दीन में एक राह नहीं एक राह नहीं है जबर तो उससे बड़ी चीज है एक राह कि आप किसी को जरा सा जोर दे के दीन कबूल करने की बात करें दीन में जबर नहीं है और हो नहीं सकता है ये कुरान है गौर कीजिए दीन का ताल्लुक ही दिलों से होता है और दिल कभी बज़ोरे शमशीर किसी बात को कबूल कर ही नहीं सकता जबान से कोई फकर तो अदा हो जाएगा बज़ोरे शमशीर सर तो झुक जाएगा बज़ोरे शमशीर दिल नहीं अकरार कर सकता और नहीं झुक सकता बज़ोरे शमशीर और जब दिल झुक नहीं सकता और एतराफ और इकरार नहीं कर सकता और दीन का ताल्लुक ही दिल से है जबान और सर से नहीं है दिल से है दीन का ताल्लुक असलन दिल से है और दिल तलवार से झुक ही नहीं सकता तो फिर खुदा कैसे कहेगा कि तलवार के जोर से दीन फैलाओ खुदा खुदा नाऊजिल्ला सद हजार बार नऊज खाकम बदहन खुदा है खुदा फिर नहीं है खुदा है खुदा नमरूद नहीं है अल्लाह है अल्लाह बिल्ला ताबूत नहीं है अल्लाह है अल्लाह अल्ला, कोई खुशामद पसंद बादशाह नहीं है अल्लाह है अल्लाह कोई खुद गरज हाकिम नहीं है अल्लाह है अल्लाह वो किस तरीके से कहेगा के मेरा कलमा पढ़वा लो जबरन जाके एक हदीस एक से जायद मरतबा मैं इस मरतबा अपनी बाज़ तकीरों में अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन इस वक्त अर्ज़ करूँ हदीसनद है मैं पैगम्बर अक्रम सल्हम हदीस में इर्शाद फरमाया गया है अल्लाह फरमाता है मैं अपने किसी बंदे मोमिन की रूह उस वक्त तक कब्ज करने का हुक्म नहीं देता जब तक कि वो मुझसे मिलने के लिए राजी ना हो जाए, हो जाए। जब तक के मोमिन की रूह मोमिन का दिल राजी नहीं हो जाता हुजूर रब में पेश होने के लिए उस वक्त तक अल्लाह मलकुल मौत को कहता नहीं कि इसकी रूह कब्ज़ करो वो रहमान वो रहीम वो रऊफ वो करीम वो वदूद वो रऊफ वो लतीफ, वो खबीर वो कदीर वो अजीज वो जो मौत नहीं भेजता मलकुल मौत को इज्जन नहीं देता जब तक के बंदा राजी ना हो जाए खुद मिलने के लिए मुलाकातें रब के लिए वो परवरदिगार कहेगा कि बजोर व बजबर इससे कलमा पढ़वाओ मेरा जबकि आप में से हर एक समझता है कि जबरन इतात इतात नहीं कहलाती तो फिर जबरन इबादत इबादत कैसे बन जाएगी जबरन कोई इबादत नहीं होती कोई इतात नहीं होती एतवात के हरूफ में गौर कीजिए एतवात कहते ही उसे हैं जो तोन हो करहन ना हो दिल की चाहत से हो तो एतात व इबादत है न कि जबरन तो अल्लाह सुबहान त जबरन कलमा पढ़वाना चाहता है न जबरन आपसे सजदा चाहता है न जबरन कयाम रुकू चाहता है कोई चीज़ कोई इबादत आपसे जबरन नहीं चाहता वाज है ये मजमून बहुत आम भी है लेकिन इस वक्त ज़बान पर आ गया तो मैं अर्ज करता चला जा रहा हूँ कोई इबादत जबरन खुदा को मंजूर नहीं है इबादत वही है जो दिल की चाहत के साथ हो तो कैसे वो अल्लाह इजाज़त देगा कि मेरा कलमा पढ़वाने के लिए ज़बान से कलमा पढ़वाने के लिए जंग करो जो लोग क़ुरान मजीद की आयतों की ऐसी तफसीर करते हैं वो तफसीर गलत है वो तफसीर गलत है ये बात मैंने क्यों अर्ज की प्लूरिज़म जो वहाँ जायज़ करार दे रहे हैं कि जो भी जो भी ईमान और एतक़ाद लेके जाए इन शाला जन्नत में जाएगा वो ग़लत है मगर इस दुनिया में प्लूरिज़म का ये रुख है कल्चरल प्लूरिज़म हर आदमी की तहज़ीब अलग है सकाफ़त अलग है ज़बान अलग है उसके आदाब अलग हैं अतवार अलग हैं आप किसी को एक सलीके पर एक डिसप्लिन पर जमा करने के मुकलफ़ नहीं आए और इस दुनिया में आपको अल्लाह का मामला अल्लाह के साथ है इस दुनिया में आप मुख्तलिफ अकायद के साथ जीना सीखें अमन के साथ इस दुनिया में आप बज़बर यानी एहतिकात की बुनियाद पर टकराव ना हो खून रेजी ना हो और इसकी सबसे बड़ी मिसाल भी अल्लाह सुबहान तबी की हयात तैयब में खुद कायम कर दी क्या कायम की मशहूर तरीन जो आप हजरात सुनते रहते हैं, आया मुबाहिला पढ़ी है नसाराय नजरान नसाराय नजरान से अख्तिलाफ़ ही क्या था तोहेद ही के मसले पे तो इख्तलाफ था शिरक और तोहहीद का मुकाबला था ना अभी सुना है मैंने बाज़ हजरात जो अपने को इंटेलचुअल कहते हैं और दानिश्वर समझे जाते हैं वो कहते हैं कि नसारा में शिरक नहीं है उन्हें मशरक नहीं कह सकते क्या क्या फतवे और क्या क्या ताबीर है हम उन्हें मुशरिक नहीं कह सकते और दावा करते हैं कुरान ने उन्हें कहीं मुशरिक नहीं कहा अच्छा मुशरिक नहीं थे तो फिर रसुल्ला से बहस मुबहसा आई किस बात पे था ये वो लोग हैं जो काफ से कुरान कहते हैं काफ से कुरान नहीं कहते फतवा दे दिया के नसारा मसीही ही नहीं है कुरान ने उन्हें कहीं मशरक नहीं कहा है क्या कुरान की फहम है कुरान ने उन्हें कहीं मुशरिक नहीं कहा है अच्छा मुशरिक नहीं थे तोहीद का मसला दरमियान में उलझा हुआ नहीं था तो बहस किस पर हुई है मुबाहले में कुरान गवाह है कुरान नबूवत पर हुई है या तोहीद पर आका मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत वो नहीं मान रहे थे इस पर मुबाहला था या अल्लाह की कुरानी वहदानियत नहीं मान रहे थे इस पर मुबाह था कुरान मजीद की आयतें पढ़ लीजिए मुबाहला मसले तोहिद पर था और इसीलिए पहले हजरत आदम की मिसाल दी गई कि तुम कहते हो कि जनाब मरियम ने जन्म दिया कोई बाप नहीं था चूंकि कोई बाप नहीं था जाहरी इसलिए ये खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं कहा कि फिर आदम तो न माँ रखते थे न बाप रखते थे फिर आदम के बारे में क्या ख्याल है तो आदम ही को खुदा मानो फिर मसीह को क्यों खुदा मानते हो वाजे हुई बात मसला तोहहीद का था यूनिटी ऑफ गॉड वननेस ऑफ गॉड वो भी वननेस ऑफ गॉड उसका मसला था जब मसला तोहहीद का था तो तोहिद और शर्क का फर्क है ना अल्लाह ने क्या हुक्म भेजा पमन हाज कमिन इम फ़कुल तलोनाना अबनाब तहिए जब इल आ गया अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से वाज पैगाम आ गया दलील आ गई बुरहान आ गई हजत तमाम हो गई इलमी और फ़िक्री सतह पर सारी बातें मुकम्मल हो गई फिर भी नहीं मान रहे हैं तो अब आप इन्हें मुबाहले की दावत दे दीजिए अल्लाह ये भी तो कह सकता था मुस्तफ़ा मुस्तफ़ी सल्ह वसल्लम का कायम हो चुका है मदीने में हुकूमत क़ायम हो चुकी है न जाने कितनी जंगें लड़ चुके हैं ये नौ हिजरी या दस हिजरी का वाकया है मुबाहला इससे पहले बद्र हो चुकी यहद हो चुकी खैबर हो चुका खंदक हो चुका मारक हुनैन हो चुका सारे मार्के मुस्तफ़ा सर कर चुके हैं लश्कर की कमी नहीं है ताकत की कमी नहीं है चंद लोग आए थे नजरान से अल्लाह कह देता कि ये नहीं मान रहे हैं मेरी वहदानियत अब इन सब के सर कलम कर दीजिए ये फरमा सकता था या नहीं हाक था खुदा को हाक था कि तो आपने बहस कर ली हुज्जत तमाम कर ली मेजबानी की आपने अखलाकी तौर पर इनको मेहमानी और मेजबानी में कोई कमी नहीं हुई अब भी ये नहीं तस्लीम कर रहे हैं तो बस मेरी वहदानियत नहीं तस्लीम करते तो सर कलम कर दीजिए मगर सर कलम करने का हुक्म नहीं आया क्यों नहीं आया इसलिए कि खुदा नहीं चाहता कि बजोरे शमशीर कोई उसका कलम पढ़े नहीं मानते उनका दिल मुतम नहीं है जहन मुतमिन नहीं है नहीं मानते तलवार चलाने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया क्या कहा अब मुबाहले के लिए बुलाइए और ये याद रखिए अजीज़ा नेगराम आपसे भी मैं अर्ज कर चुका हूँ अर्ज कर रहा हूँ करता रहूँगा मुनाजरे कम कर दीजिए मुनाजरा सिर्फ उससे किया कीजिए जो मुनाजरे का अहल हो मुनाजरे का अहल क्या मानी है उसके मुनाजरे का अहल वो होता है पहली शर्त यह है कि वो साहिब नज़र हो यानी पढ़ा लिखा हो मुनाजरा कहते किसे मुनाजरा जो के नीचे ये जोए जिसे बहुत से लोग कहते हैं पा ये गा के नीचे जेर नहीं है मुनाज़रा जबर है वाजह हुई बात क्योंकि ये बाब बाब मुफा अला जैसे मुसाफहा मुसाफहा हाथ मिलाना, मुआनका गले लगाना मुकातला, बहाम एक दूसरे से कताल जंग करना मुजाहदा, दोनों तरफ से जंग करना जिहाद करना हुँ? ये जो वजन है उमूमन इस, उमूा इसमूतन नहीं उमूा इसमें दो फरीक़ होते हैं तब ये सेगा बामानी होता है जब दो आदमी हो आमने सामने और दोनों हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो उसे कहेंगे मुसाफहा अकेला एक आदमी नहीं हवा में हाथ हिलाता रहेगा किस से हाथ मिला रहे हैं हवा से तो ऐसा आदमी क्या कहलाएगा बाखलाक या बेअल बेअल मजनून मजनून इंसान है सामने कोई नहीं है हवा से हाथ मिला रहे हैं है? यही सूरत है मोना जरा मुनाजरा क्या है आप साहेब इल्म हैं साहेब नज़रिया हैं साहब नज़र हैं साहेब फिक्र हैं साहेब राय हैं आपके मुकाबिल में भी कोई शय है कोई शख्स है कि जो साब इल्म है साहेब नजर है साहेब राय है अब ये दोनों के दरमियान ये ख्वाहिश भी है कि भाई आप अपना नज़रिया पेश कीजिए मैं अपना नज़रिया पेश करूँ देखें तो सही कि हक़ क्या है यानी दोनों तरफ इल्म हो दोनों तरफ फिक्र हो दोनों तरफ अखलाक हो दोनों तरफ हक़ तक पहुँचने की नीयत हो ये सब शराय हो तब होता है मुनाजरा अकेले बैठ के मुनाजरा नहीं होता सबके लिए कह रहा हूं मैं इधर भी उधर भी जो लोग मुनाजरे का बाजार गर्म रखते हैं और ना समझते हैं कि हम मुनाजरा कर रहे हैं भाई हर वक्त हर जगह हर मेंबर पर हर माइक पर मुनाजरा नहीं होता एनर्जी जाया ना करें बे वक्त मुनाजरे से बेहमनी भी हो सकती है मुनाजरा ऐसे नहीं होता तो अब मुनाजरा हर एक से ना करें जो अहल हो उससे करें और उसके बाद अगर मुनाजरों से बात हल ना हो तो मुबाहला करें मुबाहला एक कवायद फ़ियाँ में से एक कायद फ़ियाँ भी है बाज़ मौाक पर शरीयत ने कहा है मुबाहला करो और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दौर में मुबाहला आसान है और मुबाहला बेहतरीन हल है जब भी कोई आपका दिल जलाने के लिए तंज करने के लिए नैजा चलाने के लिए नश्तर चुभोने के लिए कहे फलाँ रहमत आप बिल्कुल बुरा ना मानिए आप हाथ उठा के कहिए परवरदिगार इसको फुला के साथ हशर करना मुझे हुसैन के साथ अजीज और जवाना ने मोहतरम ये बात खातीन हजरा सब सुन ले गुस्सा आता है मुझे भी आता है गुस्सा आता है दिल जलता है खून खोलता है आखिर हम मोहब्बत रखते हैं हम पत्थर थोड़ी रखते सीने में दिल रखते हैं मगर सब्र का मकाम यह है सब का मकाम यह अब अब इतना हो चुका चौदह सौ बरस पंद्रह सौ बरस गुजर गए अब भी जिसको हुसैन समझ में नहीं आए आप भी जो हुसैन को नहीं समझना चाहता और कातिल हुसैन को ताला अलैह कहता है उसके मुंह पे ताला लग जाएगा जब आप कहेंगे अल्लाह इसे हुसैन के साथ नहीं अजीत के साथ शुमार करना खुदा की कसम मुंह पे ताला लग जाएगा बस कोई मुनाजरे की जरूरत ही नहीं है आप अपनी एनर्जी ज़ाया करें गुस्सा करें बलंदावा से करें कुछ नहीं और मैं ये अमलन कर चुका हूं अमलन एक से जायद पर ओलमा थे उलमा सो कॉल्ड उलमा और क्या कहूँ नाम नेहाद उलमा इल्म के नूरानी दामन पर खाक के धब्बे बैठे हुए थे और विकालत कर रहे थे यजीद की मैंने पहले तो आसानी से कुछ मिसालें दी मैंने कहा कि भाई एक मसला सिर्फ़ इमाम हुसैनी ही का नहीं है काबे को भी जलाया था और ढाया था और मसला सिर्फ़ काबे का नहीं है मदीने में जाकर हजारों अब पैगंबर को तहतीक किया और हजारों सहाबियात और सहाबियात की बेटियों की आबरू रेजी की गई हजारों हजारों हुँ? और अगर इस पर भी आप नहीं मानते और आप कहते हैं तहकीक तलब मसला है तहकीक तलब बहुत खुरचने की जरूरत पड़ेगी है? क्या करूं मैं मैं यानी पाबंद हूँ ना अमानतदार किसे कहते हैं जो शख्स जो लफ्ज़ कहे उसको वैसे ही नकल करो तो अगर कोई तहकीक नहीं कह सकता तहकीक कहता है तो मैं तहकीकी तो कोर्ट अनकोर्ट वही तो नकल करूँगा तहकीक तलब मसला समझते हैं तो मैं मौलाना आपसे अब कोई बहस नहीं करना चाहता मैं सिर्फ एक दुआ कर रहा हूँ आप सब आमीन कहें और मैं रुख्सत होना चाहता हूँ चूंकि मैं उन्हीं के ऑफिस में बैठा हुआ था परवरदगार आपको यजीद के साथ रोज़ महशर मशहूर फरमाए मुझे हुसैन के साथ खुदा की कसम कह रहा हूँ आपके साथ मर पर कि वो तादाद में भी ज़्यादा थे चेहरे पर ऐसी सियाही छाई जैसे लगा कि जहन्नम के शोलों का धुआँ आ गया है

बेनियाजाना गुजर जाएं। मर्रू मर्रू बिल्लाह वे किरामा, जब लह बातें सुनते हैं तो अहले ईमान करीमाना शान से गुजर जाते हैं कोई तयश नहीं कोई जवाब नहीं जहां से आवाज बुलंद हो फुला रहमतुल्ला फुला रहमतुल्ला, फुला रहमतुल्ला बस आप कहिए अल्लाह आपको उनके साथ मशहूर करें हमें आल मोहम्मद के साथ मशहूर करें बस ये एक जुमला मुंह पे ताला डाल देगा खुदा की कसम तो मुनाजरे का बाप बन कीजिए बहरहाल मैं वापस आ रहा हूँ उस असल की तरफ अल्लाह सुबह ने ये नहीं फरमाया कि ये हमारी तोहिद के कायल नहीं हो रहे हैं तो इन्हें कत्ल कर दो एक मौका और दिया कहा मुबाहले के लिए बुला लीजिए और ऐलान कर दीजिए अब मुबाहला आप हजरा इतनी बार सुन चुके हैं कि मैं नहीं सुनाऊँगा हालाँकि हर एक का अपना उसलूब होता है लेकिन अब वक्त में गुंजाइश भी नहीं है और मेरी आवाज़ भी साथ छोड़ रही है और वक्त भी तंग होता जा रहा है मुबाहले के लिए बुला लीजिए मुबाहले के लिए आए और मुबाहला भी नहीं किया मुनाजरे में शिकस्त खाई फिर भी हुक्म नहीं आया कि गर्दन उड़ा दीजिए मुबाहले के लिए बुलाया और मुबाहला भी नहीं किया अब दोबारा हुक्मत ये मुबाहले के लिए भी तैयार नहीं है अब हुज्जत बिल्कुल तमाम हो गई अब इन्हें कत्ल कर दीजिए आई आयत नहीं आई अब समझ में आया कि इस्लाम तलवार से फैला है या रहमत से अब भी नहीं आई और जब उन्होंने आजिज होकर अमन तलब किया सुलह करना चाहिए जिजिया देना चाहा चाह रब क्या हुआ और फैसला नबूवत क्या हुआ ठीक है जिजिया कबूल कर लीजिए इन्हें जीने का हक दे दीजिए यह वो प्लूरलिज्म है जो हम कबूल करते हैं जियो और जीने दो जो जिस दीन पर मिल्लत पर मसलक पर है इलमी एतबार से आप उनसे गुफ्तु करते रहिए लेकिन अगर वो आपसे मुतमिन नहीं होते आप उनसे मुतमिन नहीं होते सब को जीने का हक दें यह हवा सब के लिए है सबको सांस लेने का हक़ अल्लाह ने दिया है आप कैसे सर्व कर सकते हैं यह समंदरों और दरियाओं में बहता हुआ पानी सब के लिए अल्लाह ने करार दिया है आप कैसे मखसूस कर सकते हैं जमीन से रोइदा होने वाली गजा सब के लिए अल्लाह ने भेजी है आप कैसे मखसूस कर सकते हैं जिंदगी असल जिंदगी असल हयात अल्लाह ने सब को अता की है तो आप किसी से सल्व नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह की तरफ से खास इजाजत ना होतिकात की मंजिल में प्लूरलिज्म दुरुस्त नहीं है यानी यह मानना कि कोई किसी भी एहतिकात पर हो जन्नत में जाएगा यह दुरुस्त नहीं है मगर आखिरत का रोज रोज आखिरत कायम होने से पहले पहले कयामत से पहले पहले महशर से पहले पहले ये जानते हुए कि ये शख्स फला शख्स जहन्नमी है मगर उसे इस दुनिया की हवा में जीने देना यह भी हुक्म परवरदगार है अमल पैगम्बर अमल अमीर अली ये बिन तालिब अभी बस गुफ्तु तमाम हुआ चाहती है। एक और बलंद सलाबाद भेज एक और बलंतर सलाबाद पढ़ने में ख़ुद मुबाहले की मिसाल में बात वाजी हो चुकी है लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल और कर रहा हूँ मशहूर मिसाल और यहीं से माल मजलिस की तरफ हमारा सफ़र होगा अमीर उमोमीन इमाम المتقین, शहीद आदलाफ अलीबन अबी ालिब व सलाम कातिल अपना काम कर चुका है सरे मुबारक पे जरबत लगा चुका है जहरालूत तलवार आपके सर को तोड़कर कर मगज सर तक पहुंच चुकी है बचने की कोई उम्मीद नहीं है कातिल अपना काम कर चुका है फिर भी कातिल गिरफ्तार करके लाया जाता है कहाँ तक है राफत व रहमत व लुफो आदल कहाँ तक है कहाँ तक है वो प्लुरलिज्म जो हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल कहाँ तक है रवादारी कहाँ तक है लिबरलिज्म, कहाँ तक है ह्यूमैनिज्म, कहाँ तक है राफ़त एलाहिया वो कातिल गिरफ्तार करके लाया गया तो इमाम ने फरमाया और सामने खड़ा लरज रहा है ख़ौफ़ से चूँकि अब उसे अपनी भी मौत नज़र आ रही है लरज रहा है आपके सामने शरबत का प्याला लाया गया तो इमाम ने क्या कहा देखो तो सही ये मुझसे भी ज़्यादा प्यासा नज़र आ रहा है इसे भी पानी में ऐसे भी शरबत यही शरबत पिलाना जो मुझे पिला रहे हो मैंने अभी क्या कहा था कि आप जानते हुए भी कि जहन्नमी है मगर जीने का हक दें जानते हुए कि यह दो जखी है आतशी है जीने का हक दें कौन सी लिबरलिज्म इससे ज्यादा बड़ी होगी कौन सी ह्यूमनिज्म इससे ज्यादा बड़ी होगी कौन सा अखलाकी ज्यादा बड़ा होगा और जबकि यह एतराफ उसका है मुतद किताबों में यह बयान मौजूद है कि आमिर अलसल्लाम ने उसकी आँखों में आँखें डाल के पूछा क्या मैं तेरा बुरा अमीर था तो उसने क्या जवाब दिया कहा नहीं यह आमिरमोमिन जिसने खुद से जहन्नम को इख्तियार कर लिया हो आप उसे बजब्र कैसे जन्नत में ले जा सकते हैं यह उसका एतराफ़ है ये उसका अतराफ़ है उसके बावजूद क्या फरमाया मैं दो तीन फ़िक्रे अर्ज करूँगा और आपकी तबीयतें मुनकलब हो जाएंगी एक तो ये इरशाद, जब बेटों ने शरबत पेश किया है तो आपने कहा कि ये मुझसे ज़्यादा प्यासा मालूम होता है यही शरबत इसको भी पिलाओ और चूँकि मजबूत से मजबूती के साथ सख्ती से उसके हाथ में रस्सियाँ बांधी गई थी तो आपने कहा कि ये तुम्हारा असर है देखते हो नहीं है देखते देख नहीं रहे हो कितनी सख्ती से रस्सियाँ बांधी गई हैं जरा ढीली कर दो और दो फिक्रे अजीब हैं खुदा की कसम फरमाते हैं कि देखो ये तुम्हारा असीर है जो तुम खाना वही इसको खिलाना और इसके लिए सोने के लिए नर्म बिछौना नर्म बिस्तर फराहम करना अल्लाह ये आजकल पूरी दुनिया में जो सुलूक होता है कैदियों के साथ वो ज़रा गौर करें कि अमीरुल अमीरमिन कौन सी तहजीब दे रहे हैं कातिल है जुर्म साबित है हाथों में लहू और खंजर के साथ गिरफ्तार किया गया है एतराफ़ कर चुका है सामने एतराफ़ कर चुका है फिर भी फरमान है इसको नरम बिस्तर देना जो तुम खाना वो इसको खिलाना और देखो अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मुझ पर छोड़ देना मैं चाहूं इंतकाम लू एहसास लू चाहे इसे आजाद कर लू क्या क्या अखलाकी बन गई और अगर मैं नहीं बचा तो इसने एक ज़रबत मुझ पर लगाई है तुम भी ये हसन एक ही ज़रबत लगाना अल्लाह अकबर यह है अमीरमिन और ये वसीयतें कहाँ फरमा रहे हैं बस मजलिस तमाम हो गई आज पच्चीस मुहर्रम है और रोज़ शहादत इमाम अली अब्न हुसैन है ये पहले अली का तस्करा है अब दूसरे अली का तस्करा बस चंद जुमले करो ये वसीयतें कोफे में कर रहे हैं ना कोफे में वसीयतें हो रही हैं कि देखो ये तुम्हारा आसीर है इसे खाना खिलाना वो खाना खिलाना जो तुम खाना देखो इसे नरम बिस्तर देना देखो इसकी इसकी बाहें इसकी हथ बहुत सख्ती से बांधी हैं ज़रा गिरा ढीली तो कर दो यही कोफा है कि जहां सैद सज्जाद जैनबाद उनके हाथों में हथकड़ी है पाँव में बेड़ी है गले में खारदार तो है कमर में लंगर है और उससे ऊपर भी रस्सियों से और लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया है जितनी सख्ती मुमकिन है की जा रही है और कोफे में लाया जा रहा है उस कोफे में कि जहाँ अमिरमिन ने यह वसीयतें की थीं उस कोफे में जहाँ बीबी जनाब ज़ैनब क़ुरान मजीद पढ़ाने का मकतब चलाती थी बीबी जनाब जैनब क़ुरान पढ़ाने और दीन पढ़ाने दीनियात पढ़ाने का मदरसा कायम किए हुए थी बहुत सी कोफे की बच्चियों को और ख़्वीन को बीबी जैनब ने इस्लाम इस्लामी आदाब इस्लामी अखलाक़ की तालीम दी थी बीबी जैनब ने बहुत सी बच्चियों को हिजाब करना सिखाया था बीबी जैनब ने बहुत सी ख़्वीन को बहुत कुछ अखलाक इस्लामी सिखाया था उसी कोफे में जनाब जैनब असीर लाई जा रही उसी कोफे में जनाब जैनब असीर लाई गई हैं और इसीलिए जनाब ज़ैनब का एक जुमला मशहूर है कि जब आप कोफ़े में तशीफ़ लाएँ तो कहा मुझे किसी ऐसी जगह रखना जहाँ कोफे की खातिन मुझसे मुलाकात के लिए ना आए अजरक़ुम अल्लाह गुफ्तु बहुत तवील हो गई आज एक ख़ास ऐसी कोई बात है कि जिससे मुझे मालूम है कि जल्द मजलिस को तमाम हो जाना चाहिए तो बस मैं एक दो जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ ये सैद सज्जाद जिस इम्तहान से गुज़रे हैं ये इम्तिहान कोफे तक महदूद तो नहीं रहा करबला से कोफे कोफे से शाम तक दया बदार फिर आया गया और फिर शाम का जिंदान शाम का दरबार शाम का बाजार अजरको अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सेवाये गम हुसैन के अल्लाह हुसैन में आपकी आंखों को कभी खुश्क न रखे आपको आँखें अता की हैं तो हमेशा अश्क बार रहें यह आँखें गम हुसैन में शाम का बाजार शाम का दरबार शाम का जिंदान शाम का वो बाजार जिसे दो रोया बंदी की गई थी और लाभ के साथ सजाया गया था जश्न मनाया जा रहा था ईद जैसा जश्न और ऐलान किया जा रहा था कि असी रान अहले बैत लाए जा रहे हैं वो जुल्म के जिसके नतीजे में जनाब सैद सज्जा से जब भी पूछा जाता था सबसे ज्यादा कहा आप पे मुसीबत पड़ी आप फरमाते थे अशाम 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 आने वाला आके समझाता था आका कब तक गिरिया करेंगे आप फरमाते थे तुमने इंसाफ़ नहीं किया मेरे साथ तुमने इंसाफ नहीं किया याकूब नबी थे पैगंबर थे अट्ठारह बारह बेटे थे उनके एक बेटा निगाह से ओझल हो गया था इलम नबूत की बुनियाद पर मालूम था कि बेटा जिंदा है बल्कि अजीज़ मिस्र है मगर इतना गिरिया किया कि आंखें सफ़ेद हो गई मेरे सामने तो अट्ठारह यूसुफ़ तह तेख कर दिए गए और खाको ख़ून में गलता हमने उनकी लाशें देखी और जब कोई मज़ीद तसली देने की खातिर कहता था आका अल्लाह की राह में शहादतें पेश करना तो आपके खानदान की मीरास है आप तड़प जाते थे तुमने इंसाफ़ नहीं किया अल्लाह की राह में जान दे देना हमारे खानदान का शार है मगर घर की खुतन माँ बहनों का बे दयार बदयार फिर आया जाना यह हमारा शियार नहीं है आज रकुम अल्लाह आज रकुम अल्लाह आज रकुम बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ उसके बाद शबीह है ताबूत आप बरामद करेंगे आपकी आरजू है ना कि आका की शबीह है ताबूत बरामद हो आप अपने इस जज्बे का इजहार करना चाहते हैं अलामती तौर पर कि आका अगर हम उस वक्त होते तो आपकी शहादत पर किस एहतमाम से आपका जनाजा उठाते हैं मैं कैसे अर्ज करूं कि आपका ये जुमला भी सुनकर आका और तड़प जाएंगे अरे तुम मेरे लाशे को अहतमाम से उठाने के लिए कह रहे हो मेरे बाबा का लाशा तो एहतमाम से ना उठ सका आका को ये गम आखिरी वक्त तक रहा कि आका हुसैन का लाशा जमीन पर पड़ा था आपका आफताब जैसा रुखसार खाक को खून आलूद था और ये मंजर देखकर आपकी ये कैफियत हुई थी कि फूफी ने बढ़ के कहा मैं क्या देख रही हूं ऐसा लगता है कि तुम्हारी रूह मुफारकत कर जाएगी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे वा अलिया वा मुहम्मदा वा हुसैना